नमस्कार, काउंसलर वार्ड नंबर 1 पीएलसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर साइबर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हेडो वार्ड नंबर 1 के कमिटी हॉल में हम यहाँ पर सब आए हैं। और हमारे बीच हमारे हेडो थाना के जो एसएचओ मैडम रशीदा मैडम जी भी यहाँ पर आई है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। साथ में जो है हमारे हेडो के वार्ड नंबर 1 के कुछ जो लोग हैं, मतलब हमारे वार्ड के जो लोग भी आए हैं, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सभी को नमस्कार। आज पूरे देश में, मतलब जो आज साइबर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है साइबर जागरूकता दिवस में, मतलब ज़्यादातर मतलब इसके बारे में, मतलब जो आज हमारे भी आए हुए हमारे जो हेडो चाटम थाना के एसएचओ मैडम रशीदा मैडम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं भी मतलब आपको कुछ हिंट्स देना चाहता हूँ। साइबर एक ऐसा चीज़ है जो मतलब ना लोग मतलब जो है फ़ोन से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मतलब जो मैडम आप लोगों को ज़रूर देंगे। मेरे साथ भी मतलब जो 4 दिन पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था। अचानक रात को मतलब 12:15, 12:20 को मेरे को एक फ़ोन आया था। मेरे पास फ़ोन में भी मतलब उनका नंबर भी सब कुछ है। वो मेरे को बोला कि लाइट ऑन करो, लाइट ऑन किया। फिर हम लोग मतलब जो फ़ोन को ऑन नहीं किया, मतलब लाइट ऑन तो नहीं करा, फ़ोन काट दिया। एक्चुअल क्या है ना, उसमें जो है जैसी लाइट ऑन करता है, या अगर कोई लड़का बच्चा है या मतलब कोई भी, मतलब उन लोगों को नहीं मालूम है ना कौन, उनको तो नंबर से मतलब है। तो अगर वो फ़ोन अगर हम ऑन किया रहता तो मतलब उसमें जो है कोई लड़की उड़की मतलब जब मेरे से मतलब बात करती और मेरे को मतलब जो है अपना माइंड में मतलब समझ गया था। तो उस तरह का जो चीज़ है मतलब ना ये सब चीज़ जो है इसके बारे में मतलब जो बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस तरह रख के उन लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग से बात करते करते हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह मतलब जो हेडो में मैं जान के मेरे साथ में मेरा अपना जो वार्ड के कुछ 4-5 लड़कों के साथ भी हुआ है, आप किसी नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो वो हम लोग मतलब वो चीज़ का जागृति जो हमारे वार्ड में बहुत होना बहुत जरूरी है। इस तरह जो है कोई जैसा आपको इसमें बोलता है कि आप अपना पैन कार्ड नंबर दीजिए, अपना मतलब नंबर दीजिए, आपको मतलब कुछ आपका लॉटरी लगा, इस तरह का मतलब बहुत कुछ चीज़ फ्रॉड होता है। तो इसका जानकारी मतलब जो हम लोग को होना बहुत ज़रूरी है, और खास करके हम लोग सिर्फ नहीं हमारे बच्चों को मतलब ये सबको जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आज हमारे बीच आए हुए हमारे जो एसएचओ मैडम रशीदा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका मतलब काफ़ी अच्छा जानकारी मतलब मैडम आप लोगों को दें प्लीज़ सर। ऐसा है लाइफ थोड़ा से सबका बिजी हो गया ना, किसी को टाइम नहीं है, दुकान
बैंक तक जाके पेमेंट कर कर आने नहीं का किसी को, सबको फिंगर टिप पे फोन पे क्लिक कर दिया, सिस्टम में बैठ गया, कोई एक वेबसाइट हो गया, उसमें शॉपिंग भी हो गया मेरा, उसमें सेकंड हैंड सेल भी कर दिया, हम लोग परचेज भी कर दिया, सब कुछ हम लोग को बिल्कुल एकदम शॉर्टकट पे चाहिए, है ना। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जैसा जैसा इम्प्रूव हुआ हम लोग का तकनीक, वैसा वैसा सुविधा हम लोग को मिलते गया, ठीक है, और हम लोग इसका वर्थ है। लेकिन इसी बात का फायदा जो है कुछ लोग उठाकर ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि अगर ऑनलाइन हम कुछ एक ऐड दे देगा फेसबुक में या किसी और सोशल मीडिया मतलब इसका जो, तो पब्लिक उसमें आएगा, ठीक है, एक्सेस करेंगे उसको, और इतना एल्यूरिंग, एल्यूरिंग को मतलब ललचाने वाला ऑफर डालेगा उसमें कि ये चीज़ सेल हो रहा है और 10% दाम में मिलेगा आपको सामान। कोई सामान मान लीजिए 1,00,000 का और आपको 10,000 में मिलेगा, तो आपको ध्यान 90,000 बचाने में लग जाएगा कि मेरे को 90,000 मेरा बच रहा है। इतना एल्यूरिंग ऑफर डाल देगा कि ये सेकेंड हैंड सेल हो रहा है और 10% में ही आपको मिल जाएगा। तो आप जाओगे उस लिंक में या उस वेबसाइट में, जैसे आप चले जाओगे, आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपना क्रेडेंशियल दे दिया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ को परचेज करने के लिए, वो बंदा वहाँ से बोलेगा इसमें प्रोसेसिंग फीस चाहिए, ये अकाउंट नंबर है, आप इस अकाउंट नंबर पे पैसे डाल दीजिए। आपका ध्यान कहाँ है अभी की 90,000 बचाने में है, 90,000 बचाने में है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, लोग 90,000 बचाने के लिए 9,00,000 रुपया दे चुके हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि हम कितना पैसा कितना अकाउंट में डाल दिया, और सामने वाला बंदा सोचता इतना बेवकूफ इतना आराम से मिल रहा है तो इनको और निकालो फिर और दूसरा नंबर देगा, फिर और दूसरा मोबाइल नंबर देगा, इसमें कॉन्टैक्ट करो, वो कॉन्टैक्ट करता रहा पर्सन, एक और नंबर देगा, कोई HDFC कोई दूसरा बैंक, कोई तीसरा बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक, पता नहीं कितना बैंक दे देगा, वो सब भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पैसे डालते जाएगा, उसको मालूम ही नहीं, वो 90,000 क्रॉस कर दिया रहेगा और उसको सामान नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे ही उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट उसका अकाउंट में आ गया ना, वो ये सारा वेबसाइट बंद करके गायब। उसके बाद वो बेचारा वो वेबसाइट ढूंढते रहेगा, उस नंबर पे कॉल करो, स्विच ऑफ, वो अकाउंट डिटेल ढूंढो, वो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, सब एकदम साफ। जब तक पुलिस का पास आएगा वो सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया रहेगा, ठीक है, सारा जहाँ से पैसा इसका अकाउंट से उस अकाउंट में, एक्स अकाउंट में, वाई अकाउंट में, जेड अकाउंट में, पूरा चला गया रहेगा। अब जब वो सारा कुछ हो गया रहेगा ना, तो पुलिस सारा पैसा वापस नहीं निकाल के दे सकती। अब उसको ढूंढना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो एक सिम यूज़ नहीं किया, वो एक मोबाइल यूज़ नहीं किया, वो एक अकाउंट भी यूज़ नहीं किया, वो मल्टीपल सिम यूज़ किया है, मल्टीपल फोन यूज़ किया है, मल्टीपल अकाउंट नंबर यूज़ किया है। किस किस को निकालेंगे हम ढूंढ के? और वो यहाँ का नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादातर मिलते हैं छत्तीसगढ़, रांची, UP, बिहार, दिल्ली, और सिर्फ ढूंढने जाएंगे हम, मिलना मुश्किल है क्योंकि कई सारा केसेस में ऐसा हुआ, सब जो अकाउंट होल्डर है ना, जिस अकाउंट में पैसे डाल दो बोला, वो अकाउंट होल्डर बेचारा एकदम बुढ़ा से, ये आंटी का एज का है, बोलता मेरे को पता ही नहीं है, हम तो पेंशन वाला पैसा लेते बैंक जाता और कोई भाई का मदद ले लेता कि मेरा ये मदद कर दो, तो वो भाई जो है इस अकाउंट को अपने लिए यूज़ कर लिया हो, पैसा इनका अकाउंट में चढ़वाया, निकलवाया और अकाउंट पासबुक इनको दे दिया, इनको पता ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा दिमाग लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लालच की तरफ चले जाते हैं। कई सारा मैसेज आएगा आपको फोन में, अभी रिसेंटली जैसा सर ने बताया, रिसेंस मैं बताती हूँ, 3 या 4 दिन पहले मेरे को कॉल आया, ठीक है, वो बोल रहा है मैडम आपका अकाउंट SBI में है, हाँ है, मेरा नाम भी जानता है वो, भाई नहीं बोल रहा है, मेरे नाम बोल रहा है, आप शीला तो बोल रही है, हाँ आपका अकाउंट SBI में, हाँ बिल्कुल है, आपका एक 5,00,000 का लोन अप्रूव हुआ है और वो बिल्कुल थोड़ा सा चेयर अरेंज कर लो प्लीज, और वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि आपको तो पैसे की जरूरत नहीं है, आपका तो लोन अप्रूव हो गया, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे? उसको मालूम नहीं है कि हमको तो पहले पता है, हम पहले बोल दिया सर मैंने वो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, सॉरी, वो वहां से गुस्सा हो गया, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब उसका इंटेंशन पूरा नहीं माना, हम तो बेवकूफ बने नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया, मैंने फोन रख दिया, दोबारा कॉल नहीं किया। हम लोग का यहाँ की जितना ब्रांचेस है, जो जिसका भी अकाउंट है, कितना दूर में है घर से, कितना दूर होगा,
अगर ऐसा कोई मैसेज आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपका एटीएम काम करना बंद कर देगा या ऐसा कोई भी मैसेज आता, तो उसमें दिया था लिंक पे मत जाओ। उसमें एक लिंक दिया रहेगा http/ कुछ नंबर और कुछ बस, उसमें बिल्कुल मत जाना। कोई नंबर दिया रहेगा कि इसमें कॉल कर लो, ये हेल्पलाइन नंबर है या टोल फ्री नंबर है, उसमें भी कॉल मत करना। सीधा जाना बैंक और जाना और बताना कि क्या मेरा अकाउंट के साथ में कोई प्रॉब्लम है, क्या हम ट्रांजैक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताइए। ठीक है, और ज्यादा दूर तो नहीं है ना, हम लोग को ट्रेन पकड़ के तो नहीं जाना है, पास पास ही है सब, अपना घर का पास का ही अकाउंट मतलब बैंक का ब्रांचेस में अकाउंट खोल के रखे, तो इतना आसान काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं यार, मतलब अचानक से ध्यान में आएगा क्योंकि तो हम किसी को जीपे नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट पेमेंट होता ना फटाफट, की पैसे नहीं रखा तो जीपे हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो तुरंत क्या करेंगे, लिंक में चले जाते। अब लिंक में अगर चले जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का फोन का जो भी क्रेडेंशियल्स, यानी फोन में जितना डिटेल, जितना इंफॉर्मेशन, जितना कॉन्टैक्ट, जितना मैसेजेस, वो सबको हैक कर लेगा कहीं बैठा है बंदा। ठीक है, आपका फोन में किसी का कॉल आएगा तो उसको भी कॉल आएगा, आपका फोन में ओटीपी आएगा तो उसको भी ओटीपी आएगा, आपका फोन यूज करके वो कहीं शॉपिंग कर लेगा, आप बोलेंगे हम तो ओटीपी दिया नहीं है, तो मेरा अकाउंट से पैसा कैसे चलेगा। जनरली शॉपिंग करते ओटीपी पूछता ना, ओटीपी बताओ तो वो पैसा जो है निकलेगा, ओटीपी तो हम बताया नहीं तो पैसा कैसे निकल गया, क्योंकि ओटीपी तो उसको मिल गया, हम तो लिंक चले गए, लिंक में चले गए, लिंक एक्सेस कर लिया, मेरा फोन हैक हो गया, उस बंदे के पास मेरा फोन का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, फोन नंबर का साथ में बहुत सारा, हम लोग का बैंक अकाउंट डिटेल्स का साथ में फोन नंबर होता है, पैन कार्ड का साथ में, आधार का साथ में, तो ये फोन नंबर कई सारा हम लोग का इंफॉर्मेशन का साथ में लिंक होता है, तो इसको कई कई तरीका से यूज कर सकते हैं। फिर कभी फोन आएगा कि आधार कार्ड को किसी का साथ में, बैंक अकाउंट का साथ लिंक करना है, पैन का साथ में लिंक, ऑफिस चले जाना सीधा और पूछ कर पता कर लो कि ऐसा कुछ करना है। अभी लिंक में मत चले जाना सीधा कि शॉर्टकट पे लिंक में एक्सेस कर लो और मेरा काम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब कि मेरा अकाउंट का सारा पैसा निकल गया, जीरो बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसा ट्रांजेक्शन इमीडिएट तुरंत आपका अकाउंट से निकला, तुरंत आपको एक मैसेज आ गया कि जनरली जब भी एटीएम से पैसा निकालता मैसेज आ जाता कि इतना अमाउंट आपका अकाउंट से विड्रॉ कर दिया, ये अगर आपने नहीं किया तो एक नंबर दिया रहेगा, इसमें आप बता के इसको ब्लॉक कर सकते हो तुरंत, या तो वो नंबर क्योंकि वो SBI का रहता, या तो वो नंबर कर लो या तो तुरंत आप साइबर सेल चले जाओ। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता ना कि एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जाने का प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता, उसमें वो प्रोसेस को बीच में रोक देगा और हो सकता है कि पैसा वापस आपका अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन वो जल्दी से जल्दी डिले हो जाएगा, 24 घंटा पार हो गया तो कोई चांस नहीं कि पैसा आपको वापस मिले, तो ये भी देखते रहना। अभी हम लोग ATM से पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते, तो हम लोग अपना बैंक अकाउंट बुक कभी अपडेट नहीं करते है ना, हम लोग को पता ही छोटा मोटा पैसा कहाँ से निकल जाता है। तो पीरियोडिकली 3-4 महीने में 6 महीने में एटलीस्ट एक बार जाके अपना बैंक का जो बुक है पासबुक उसको अपडेट करो, उसको प्रिंट निकालो और देखो कहाँ कहाँ पैसा निकला है। आपका नॉलेज भी नहीं होगा, आपका बच्चे निकाल दिए होंगे, आजकल बच्चा लोग भी कार्ड लेके हम लोग माँ बाप का यूज़ करते हैं ना ऑनलाइन परचेज के लिए, तो इसमें भी कई सारा चीनी हो जाता है, बच्चों को नहीं मालूम है कि किस वेबसाइट में जाए, क्या किस तरह से शॉपिंग हो रहा है, तो ये फ्रॉड का शिकार जो है बच्चों की वजह से भी हो जाता है, थोड़ा उसे उनको भी समझाएं। ठीक है, सारा काम टेक्नोलॉजी का मदद से जल्दी हो जाना, बिल्कुल फिंगर टिप पे हो जाना, ठीक है, मगर थोड़ा सावधानी का साथ में, थोड़ा जानकारी का साथ में। सबको पता नहीं होता है कि कौन कौन सा वेबसाइट सेफ है, ठीक है, ऑनलाइन जॉब के लिए, ऑनलाइन परचेज के लिए, सेकेंड हैंड सेल का भी बहुत सारा मिल रहा है, तो वेबसाइट को थोड़ा सा इसका जानकारी ले लो नेट में जाके कि ये ऑथराइज है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, सरकार का साथ इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, या ये फ्रॉड बना के रखा है, पैसे पब्लिक का लेगा और वो बंद कर देगा, सब पूरा वेबसाइट ही गायब हो जाएगा, फिर आपको नेट में उसका कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा इस बारे में जानकारी। ठीक है, हर जो भी कुछ नया आता है ना टेक्नोलॉजी, उसका एक अच्छा केस होता है, यानी मेरिट भी होता है और पूरा केस भी होता है, डी मेरिट भी होता है, तो इसका भी इंटरनेट ऑनलाइन हर चीज का जो भी काम करता है उसका अच्छा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, पूरा असर भी पड़ता है इसका।
जाएगा कि आप पता कर लो कि क्या ऐसा कोई बात है, तो जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग विक्टिमाइज नहीं होएगा, शिकार नहीं होएगा, ठीक है। पहले एटीएम फ्रॉड चलता था, एटीएम फ्रॉड होता था कि ओटीपी पूछ देते थे किसी तरह से, आप ओटीपी का जरूरत नहीं है, अभी आपका फोन हैक कर देगा, फोन का सारा इंफॉर्मेशन वो हैकर का पास रहेगा, वो आपका ओटीपी दिए बिना ही आपका अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो कई कई नए नए तरीका इसको निकालते हैं, जहां आपको नेट पे सोशल मीडिया में ऐसा कोई प्रपोजल मिले, ऐसा कोई ऑफर दिखे जो आपको लगे ये जरूरत से ज्यादा अच्छा है, जरूरत से ज्यादा अच्छा है, टू गुड टू बी ट्रू, इसका मतलब इतना अच्छा है, आपको सोचना पड़ेगा क्या इतना सही में अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा ऑफर, इतना अच्छा प्रपोजल, तो आप सोच लो गाल में काला है, थोड़ा सोच लो, आप सोचो कि ये क्यों, कोई हम लोग को इतना फायदा क्यों देगा, कोई अपना नुकसान करके हम लोग को इतना फायदा क्यों देगा, थोड़ा सा आप सोचोगे ना तो आप खुद इसमें जाओगे नहीं, ठीक है। तो कभी कभी आता है ना कि अभी आजकल ये भी दिखता है कि फोन रिचार्ज, आपका मोबाइल का ये फोन का जो है बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज करना है आपको तुरंत अभी ऑनलाइन, तो आप एक ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड कर लो, वो ऐप का नाम है एनी डेस्क, एक ऐसा ऐप है जो देगा उसमें कि आप उसको डाउनलोड कर लो, आप इसके थ्रू तुरंत जो है मोबाइल आपका रिचार्ज हो जाएगा। जैसे ही आपने एनी डेस्क ऐप जो डाउनलोड किया वही होगा, आपका फोन हैक हो जाएगा, वो जो बैठा है वर्चुअल वर्ल्ड में वो आपका फोन हैक कर देगा, फोन हैक करने के बाद फोन से जो इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकेगा निकालेगा, जिस तरह से वो मैनिपुलेट कर सकेगा वो कर लेगा, ठीक है। आपका फोटो लेके यूज कर लेगा गलत तरीका से, जैसा सर बताया, ठीक है। बच्चे जो यहाँ बैठे इंस्टा में है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फेसबुक पे है कोई, क्या करते हो इंस्टा में, सोशल मीडिया ऐप पर क्या करते हो इंस्टा में बताइए, फोटो डालते हो तो क्या लाइक मिलता है, उसको आपको फायदा होता है, किसी का प्रोग्राम करती है तो समझ में आता, लाखों उसको लाइक करेंगे उसको, उसको थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा, है ना, सेलिब्रिटीज करते हैं समझ में आता, हम स्टूडेंट है आप क्या हो, हाँ आप स्टूडेंट है, हम लोग का काम सिर्फ पढ़ने का है, हम लोग अपना फोटो दिखा के किसी से लाइक डिसलाइक देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टा में जो हम फोटो डालता है या जो भी इंटरनेट में अपना जो इंफॉर्मेशन डालता है, जो भी कुछ डालेगा, नाम, अपना एड्रेस, अपना बर्थडे बनाते वक्त, है ना, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, अपना भाई बहन का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, मम्मी पापा का डाल दिया, अपना लोकेशन डाल दिया, ये साइबर वर्ल्ड बोलते इसको या इंटरनेट वर्ल्ड, इसमें से कभी ये मिटता नहीं है, ये हमेशा गूगल क्लाउड में बना रहता है, ये कभी नहीं जाएगा, ये कोई भी एक हैकर जिसका दिमाग खराब है वो आपका इन्फॉर्मेशन कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी तरीका से यूज कर सकता है, तो कोई बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना आप इंटरनेट में नहीं दोगे, खासकर बच्चे बहुत फैसिनेटेड होते हैं ना, आप लोग नेट से जाएगा मेरा फोटो कितना जल्द देखेंगे, कितना लाइक करेंगे, कितना खुश हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोटो का सिर्फ सर निकाल के किसी न्यूड बॉडी में, जिस बॉडी में कपड़ा नहीं है वो न्यूड बॉडी में लगा के आपका नंबर, क्योंकि आपने तो अपना नंबर दिया उसमें, आपका नंबर डाले और लिखेगा आई एम फ्री कॉल मी, इसको पता ही नहीं रहेगा इसको कॉल आने लग जाएगा, कब फ्री है, अभी मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बच्चा परेशान, तो हम लोग ये काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। सर ने भी बताया कि कोई वीडियो कॉल कर देगा, शौकीन आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे प्लीज गुजारिश है, वीडियो कॉल कहीं से अननोन नंबर से आएगा तो मत उठाना, क्योंकि वो वीडियो कॉल करते करते वो रिकॉर्डिंग कर देगा, और ऐसा वीडियो कॉल करेगा, ऐसा मतलब दिखा के करेगा कि आप बंद कर नहीं कर पाओगे, तो पहले अपना माइंड सेट बना लो कि ये मेरे को लंचाने के लिए इसी तरह वीडियो कॉल करने वाला है, आप उठाना नहीं, उठाएगा साथ रिकॉर्डिंग करेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग लेके आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसा कई कई तरीका है, हम लोग जितना आपको बताएंगे, आज जितना बता दिया कल फिर कुछ नया तरीका निकाल देंगे इसको चीट करने का, पब्लिक को चीट करने का, पैसा मिंट करने का, निकालने का, ठीक है। तो मोटा मोटी यही बात है कि आप लोग जितना अवेयर रहोगे, जितना जागरूक रहोगे, जितना सजग रहोगे, आप लोग अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने जान पहचान वालों
वालों को सबको इस साइबर क्राइम का शिकार होने से बचा पाओ। ठीक है, आज का बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल तो हम लोग के लिए साइबर क्राइम से लड़ना। क्यों? और लड़ाई जिससे करना मेरे लिए आसान होगा, जो मेरे सामने है पकड़ लेगी उसको, जेसीबी में डाल देगी, अरेस्ट कर लेगा, केस रजिस्टर कर देगा। वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में है उसको पकड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहीं छाप छोड़ता ही नहीं। जहाँ से किया ना वहाँ से अपना छाप मिटा देता, जो फोन यूज़ किया वो गायब खत्म, उसको सिम तोड़ के फेंक दिया, फिर उसका डिटेल्स नहीं मिलेगा। जो फोन यूज़ किया उसको फेंक दिया, जो बैंक अकाउंट यूज़ किया उसको फेंक दिया, सारा कुछ निशान मिटा मिटा के जा रहा है, उसको निकालना हम लोग के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए जितना आप अवेयर हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, तो ये क्राइम थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग शिकार नहीं होंगे तो क्राइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हम लोग का यही ऑब्जेक्टिव यही है मेन, कि आप लोग जागरूक हो जाओ ताकि क्राइम से लड़ने के लिए हम लोग को मदद मिले। ठीक है, उम्मीद है जितना बात बताई कुछ तो समझ में आ गया होगा ना। क्या समझ में आया बताइए, इतना हम बता दिए, अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे को बताओ समझ में नहीं आया बताइए कुछ, तो आपका समझ में आया जरूरी नहीं है कि बहुत दिन तक नॉलेज मेरे को मिले हैं, आप बताइए थोड़ा जानते सीख जाएगी। क्या किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताओ, किसी को मैसेज आया रहेगा कि आपका मोबाइल नंबर लकी नंबर कंसीडर किया गया और आपको $1 million इनाम में मिला, किसी को मैसेज आया इसमें? आते रहेगा ना, सब फेक है, जाना मत किसी एक बार तो मेरे पहले किसी की का देख लीजिए, आपका 6 महीने से बांधा नहीं है, आप ये लिंक में ऐड कीजिए तो नहीं, क्योंकि जस्ट वही मैंने में हम पे की थी ऑनलाइन, कि हम तो अभी पेमेंट किया है, ये मैसेज क्यों दे दिया, ये गई भी लिंक में, लिंक में जाती तो हो जाता है। आप पूछता भी था ऑनलाइन पेमेंट करी कि आप कैसे पेमेंट करी, तो हम बोले ऑनलाइन ही पेमेंट किए हैं, कौन सा कार्ड से किए सब कुछ, तो हम बोले मैं तो नहीं की, मेरा भाई किया है, तो भाई को नंबर दिया, भाई बोला कि आजकल ये सब ऐसा है, वो कुछ नहीं है, छोड़ो और दोबारा करेगा मत उठाओ। फोन में कोई भी ऐसा पूछेगा ना, कार्ड नंबर दे दो या ऐसा कोई आधार कार्ड नंबर दे दो या और कोई इन्फॉर्मेशन मत देना किसी को, बोला ऑफिस चले जाएगा, ऑफिस में जाके दे देगा। ओवर फोन किसी को कुछ मत देना, कोई मैसेज पर टेक्स्ट भी मत करना, कुछ नहीं। ठीक है, अभी आपके कार्ड का कनेक्शन आप जल्दी कराने के लिए आपकी परेशानी देखिए, इतना टाइम आप लोगों का बेकार तो नहीं किया होगा, कुछ जानकारी तो मिला होगा।
करने का मतलब शॉर्ट नोटिस में, और भी लोगों को मतलब बोलना था कि यार मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस में मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बट एक्चुअल मेरा बहुत खास मतलब जो जनता सा मतलब मिला आप लोग मतलब बुला लिया, बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत शुक्रिया आप इतना शॉर्ट नोटिस में आया, मतलब जो है कुछ खास लोगों के साथ भी हुआ, उसके बाद हम मतलब जो है साइबर क्राइम को वहाँ में किया भी था जाके उनको मतलब जो हेल्प करना किया है, तो आप लोगों के लिए मतलब 24/7 सौर भैया का नंबर आप लोग मालूम है एनी टाइम, इस तरह कोई सिचुएशन रहेगा तो आप लोग जरूर कॉल कीजिएगा, हमारा जो साथ आप लोगों को जरूर मिलेगा, और आप लोग ने मतलब शॉर्ट नोटिस में आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। साइबर क्राइम अगर हो जाए, किसी का अकाउंट से पैसा निकल गया, ऐसा कुछ फ्रॉड हो गया या कोई ब्लैकमेलिंग मैसेज आ गया कुछ, तो आप तुरंत एक नंबर है 1930, ये साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप तुरंत इसमें कॉल करके बता सकते हो, ठीक है 1930। अपना मोबाइल में अगर साइबर क्राइम कोड डाल के नंबर रख लीजिए, उसके अलावा भी अगर आपको मतलब जल्दी अगर जाना है तो मेरे को कॉल कीजिए या मैडम को हम कॉल करेंगे, या तो मतलब बाजार में जो साइबर क्राइम का ऑफिस है वहाँ जाके हम लोग अगर जिससे भी हुआ था ना वो लोग तुरंत हमारे पास आया था, इसीलिए हमने उनको मतलब जो हेल्प किया, वो भी अब अगर वो उस स्थिति में आती मतलब जाना, क्योंकि उसका वीडियो ऐसा था कि वो लोग टेंशन में कुछ गलत कर लेता, तो ऐसा आप लोग कभी मतलब सबसे पहले आप ऐसा कोई चीज़ में जाइए मत, बार बार बोलता है ऐसा कोई चीज़ में मत जाइए और एंटरटेन मत करिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। काउंसलर वार्ड नंबर 1 पीबीएमसी के इस प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा, ये जो साइबर क्राइम के प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो यह प्रोग्राम को आप देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक और कमेंट कीजिए, यह प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।